जब कोई लैंड ओनर लैंड रेवेन्यू पे नहीं करता तो उसको किस तरह करके रिकवर किया जाता है, उसको रिकवर करने के कौन कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन से प्रोसेस हैं जिनको इशू किया जाता है उसको रिकवर करने के लिए। एचडी ग्लोबल सीरीज में आपको वेलकम कहते हैं। लैंड रेवेन्यू क्या है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या होते हैं एंड असेसमेंट, ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जिनको हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं फ्रॉम बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कलेक्शन जो है ऑफ लैंड रेवेन्यू वो कैसे होती है, अगर कोई अदा नहीं करता इन टाइम तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है, कैसे प्रोसेस एंड कौन से प्रोसेसेस हैं जो इशू किए जाते हैं। राइट, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले क्या है कि हम देखते हैं कि लेबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू LR जो है ये शो कर रहा है लैंड रेवेन्यू को। सेक्शन 74 जो है इसको डील करता है। आज के ये वाला कंप्लीट टॉपिक जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कि इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड सेकंडली क्या है कि इसके हर हर एक तरह से सेक्शन से हमें वेरी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल रही है, जो कि हमारे MCQs जो कि आगे तहसीलदार का पेपर आने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसके लिए अहमियत बहुत ज़्यादा है। राइट, तो इसलिए हमने साथ साथ कौन सा सेक्शन किसको डील करता है इसको भी हमने लर्न एंड मेमोराइज़ करना है। ठीक है, तो जब पेमेंट की बात आती है तो यहाँ देखिए कि देर आर टू पर्सन, लाइक देर आर टू सब्जेक्ट्स के जिनके ऊपर जो है इसकी पेमेंट की जो लाइबिलिटी है वो आती है। एक तो ये है होल्डिंग एंड सेकंड क्या है लैंड ओनर। अब क्या कि होल्डिंग, जैसा कि ये होल्डिंग क्या होती है, हम अपने जो डेफिनेशन क्लॉज वाला हमारा लेक्चर था फर्स्ट लेक्चर उसमें हम इसको लर्न कर चुके हैं। अब होल्डिंग के लिए उन्होंने वर्ड क्यों यूज़ किया, इसके लिए वो इस वजह से कि समटाइम्स होता है जो कि इंशाल्लाह हमारे आज के लेक्चर में आगे हम पढ़ेंगे कि वो जो होल्डिंग होती है उसको अटैच कर लिया जाता है अंडर द मैनेजमेंट एजेंट के भी हो सकती है, डायरेक्ट जो कंट्रोलर है कलेक्टर है वो अपने कंट्रोल में भी ले सकता है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे होल्डिंग का वर्ड यूज़ किया है कि अगर लैंड ओनर जब पे नहीं करता तो क्या होता है कि उस होल्डिंग के थ्रू उसको जब्त करके या उसकी उसके ऊपर जो प्रोडक्शन है उसको अटैच करके या उसको सेल करके जो है उससे रिकवर कर लिया जाता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे एक बेजान सी जो चीज़ है उसके लिए उन्होंने वर्ड क्यों यूज़ किया। तो वी हैव टू सब्जेक्ट्स के जिनके ज़रिए से जो जिनके ऊपर लाइबिलिटी लाई होती है पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू की, और वो कौन से दो हैं, एक होल्डिंग है एंड सेकेंड को क्या है लैंड ओनर। एंड देन बात आती है कि इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है, इसकी कलेक्शन के लिए जो है वो रूल्स कौन बनाता है। तो ये बात कि इसके लिए जो इसकी पेमेंट को रेगुलेट करने के लिए जिसको सेक्शन 76 डील कर रहा है ये, एंड रूल्स के इसकी जो कलेक्शन है LR की वो कैसे की जाए, इसको सस्पेंड कैसे किया जाए, क्या यस इसको सस्पेंड भी किया जा सकता है या इसको इसकी रिमिशन से मुराद क्या है कि इसको कम या ज़्यादा कम भी किया जा सकता है वो कैसे की जाए, इस तमाम के लिए रूल्स जो हैं वो कौन बनाएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने बात याद क्या रखनी है, सेक्शन 76 एंड 77 में डिफरेंस क्या है, ऑल दो कि इन दोनों के जो रूल्स हैं ये ऑर्डर्स हैं ये पास कौन करता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। लेकिन जब बात आती है रूल्स बनाने की रिलेटेड टू कलेक्शन रिमिशन एंड सस्पेंशन, तो इस सूरत में जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है इसको प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। राइट, ये डिफरेंस जो है इसको आप लोगों ने जहन में रखना है। राइट, एंड देन जो है हमारे पास आ जाता है सेक्शन 80 जो कि डील करता है प्रोसेसेस फॉर रिकवरी को, रिकवरी ऑफ एरर्स एरियर्स को। तो इसमें जब हम बात करते हैं एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की, तो भाई ये एरियर्स क्या होते हैं, तो वही जो लैंड रेवेन्यू जब कोई पर्सन पे नहीं करता तो
वो क्या बन जाता है उसके ऊपर, वो उसके लिए लायबल हो जाता है उसको पे करने के लिए, जिसके लिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ हुआ है और नेक्स्ट हम यूज़ क्या करेंगे, कि वो लैंड रेवेन्यू एरियर्स बन जाते हैं। अब डायरेक्ट 77 से हम लोग 80 पे आ गए हैं, तो इसके बीच में हम देखते हैं जो सेक्शन 78 आता है, वो क्योंकि आगे डिस्कस होना है इसलिए मैंने इसको सेपरेटली यहाँ पर मैंशन नहीं किया। अब जब वो एरियर्स हो जाते हैं तो उसको रिकवर कैसे किया जाता है, उसके लिए प्रोसेस क्या है, तो ये है कि उसके लिए सेक्शन 81 to 91 ये तमाम प्रोसेसेस हैं जिनके थ्री जिनके ज़रिए से जो है उसको रिकवर किया जाता है। तो सेक्शन 78 यहाँ पे हमारे पास हमें बताता है कि जो कॉस्ट है, लाइक जिसको एज ए एरियर्स रिकवर किया जाएगा, तो उसमें ये तमाम प्रोसेसेस जिनको आगे हमने पढ़ना है, इनको इश्यू करने में इसमें जितना खर्चा वगैरह आता है वो भी उसके अंदर इंक्लूड, इन एरियर्स के अंदर उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो इस सिलसिले में सबसे पहले क्या करेंगे, कब सबसे पहले रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, वो क्या करेगा, उसको नोटिस ऑफ डिमांड जो है वो इशू करेगा। ठीक है, किस लिए इशू करेगा भाई, कि आपके ऊपर ये जो हमने असेस करके आपको लैंड रेवेन्यू बताया है कि इसको क्या है, आप इसको उसको जब वो नोटिस सर्व कर दिया जाता है, तो क्या है कि उसके बावजूद अगर वो उसको पे नहीं करता तो उसको क्या है 15 days, 15 days का उसको टाइम दिया जाता है कि विद इन 15 days उसको ही हैज़ टू पे हिज एरियर्स। इन केस अगर वो उस ड्यूरेशन में भी पे नहीं करता तो फिर क्या होगा, फिर उसको रेवेन्यू ऑफिसर एक और नोटिस, जिसको फर्दर नोटिस के नाम से जो है वो जाना जाता है, वो सर्व किया जाएगा उस पर्सन को कि आओ भाई और अपना जो है आपके ऊपर जो कर्ज है एक तरह से उसको पे करो। और उसको फिर अगेन कितना टाइम दिया जाएगा, 20 दिन उसको दिए जाएंगे। ये वाले जो फिगर्स हैं आपने इनको वेरी अटेंटिवली ना सिर्फ सुनना है बल्कि इनको याद भी रखना है। उसको मज़ीद 20 दिन दिए जाएंगे पे करने के लिए। इन केस अगर वो फिर भी पे नहीं करता तो फिर क्या होगा, फिर हम बढ़ेंगे अपने सेक्शन 82 की तरफ, जो कि बताता है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा भाई, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा एंड डिटेंशन ऑफ द डिफॉल्टर, राइट। उसको क्या कर लिया जाएगा, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अरेस्ट करने के बाद उसको डिटेन, डिटेन से, या यहाँ पे डिटेन से क्या मुराद है, डिटेंशन से मुराद ये है कि जो कलेक्टर उसको अरेस्ट करने की वारंट इशू करता है, जब उसके सामने उसको पेश किया जाता है डिफॉल्टर को, तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। कितने ऑप्शंस होते हैं उसके पास, दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये कि क्या करेगा कि वो कलेक्टर जो है उसको उसके सामने उसको पेश करेगा, और सेकेंडली वो क्या करता है कि अंडर पर्सनल रिस्ट्रेंट, पर्सनल रिस्ट्रेंट यानी कि उसको अपने पास ही रख लेता है कितने दिन के लिए, नॉट एक्सीडिंग 10 days। क्या है, नॉट एक्सीडिंग 10 days, 10 दिन से ज़्यादा क्या है वो उसको अपने पास नहीं रख सकता। एक तो मैं यहाँ पे लिमिट बता रहा है कि इतने दिन तक वो रख सकता है, और पर्पस क्या है उसका ये रखने का, पर्पस ये है कि हो सकता है इन 10 दिनों में वो बंदा जो है वो पे कर दे। इन केस अगर विद इन 10 days वो पे कर देता है तो देन क्या कर किया जाता है, उसको रिलीज कर दिया जाता है। एंड अगर वो पे नहीं करता इन 10 दिन गुजर जाने के बावजूद, तो फिर क्या करेगा, ऑन द स्पॉट वेरी नेक्स्ट डे वो क्या करेगा, कलेक्टर जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो उसको कलेक्टर के सामने, जो उसकी हायर अथॉरिटी, उसके सामने पेश कर देगा। जब उसके सामने पेश करेगा तो फिर क्या होगा भाई, उसको पेश करेगा तो वो जो है रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो ऑर्डर करेगा, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो जेल का जो है ऑफिसर इंचार्ज, उसको वो ऑर्डर करेगा कि आप इस बंदे को अपने पास रख लो, ठीक है, इसको जेल में रखो। लेकिन वो जो जो पीरियड है वो जेल में रखने का, वो 1 month से ज़्यादा नहीं होगा। कितना, 1 month से ज़्यादा वो पीरियड नहीं होगा। सेकंड यहाँ पे इस चीज़ को मैंने डिस्कस नहीं किया, वो ये है कि अगर वो रेवेन्यू ऑफिसर जिसने कि उसके उस अरेस्ट के वारंट इशू किए और उसके सामने बुलाया गया, वो है असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेकेंड ग्रेड, अगर वो है तो उसके लिए यहाँ पे ये जो 10 days का ड्यूरेशन था हमारे लिए, उसके लिए क्या हो जाएगा, जस्ट 24 hours। 24 hours गुजरने के बाद क्या है, इसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि वो उसको जो है अपनी हायर अथॉरिटी के सामने पेश करे कि ले भाई आपका बंदा आपके सामने हाजिर है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये क्या कहते हैं सेक्शन 82 के बाद क्या है हमारे पास, सेक्शन 83 हमें बताता है कि डिस्ट्रेस एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, और क्या है हमारे पास यहाँ पे, क्रॉप्स है हमारे पास। डिस्ट्रेस से मुराद क्या है कि एक चीज़ को जो है वो अपने आप जब्त कर लेते हो, उसको अटैच कर लेते हो अपने, लाइक अपने अपनी कस्टडी में उसको ले लेते हो।
उसकी जो क्या होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ आपने याद रखना है क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। लाइक सेक्शन 83 किसको डील करता है, किसकी सेल की बात कर रहा है, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल की भी, उस अटैचमेंट की भी बात आती है। इस वजह से सेक्शन 83 डील करता है विद द सेल एंड डिस्ट्रेस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स। अब क्रॉप से बात क्या है कि जो लैंड है उसके ऊपर कोई क्रॉप्स हैं या कोई चीज़ उगी हुई है, लेट्स सपोज सब्जियाँ उसके ऊपर उगी हैं, कोई काश्त है, गन्ने की काश्त है, लाइक इस तरह करके कुछ भी है, तो वो क्या करेगी, उसको जो है ना जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो ऑर्डर करेगा कि हम इसको काट के हम अपना जो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू है उसको रिकवर कर लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पे वो क्या करेंगे, सारी की सारी उसकी जो फसल होगी वो उसको अनकट या अनगैदर जो क्रॉप्स होगी वो उसको अपनी कस्टडी में नहीं ले लेंगे, बल्कि इतनी उसके लिए जो है छोड़ देंगे कि जो पूरा साल के लिए उसके खाने के लिए कहाँ काम आए, या उसकी नेक्स्ट उसने जो उगाने के लिए भी जिसके लिए बड़ा एक हमारे यूज़ किया जाता है, हमारे यहाँ के बी का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, कि उतना उसके लिए जो है ना छोड़ दिया जाएगा, राइट। एंड देन क्या है कि सेक्शन 84 हमारा प्रोसेस कौन सा है, ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग। क्या है ट्रांसफ़र होल्डिंग, यहाँ पे क्या है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर है, हो सकता है कि वो इन तमाम तरीकों को तरीके उसने किए हैं और इनके बावजूद जो है उसका जो रेवेन्यू है, एरियर्स ऑफ रेवेन्यू है वो रिकवर नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा, वो ट्रांसफ़र होल्डिंग की तरफ जा सकते हैं। और दूसरी सिचुएशन क्या है कि हो सकता है कि वो रादर देन के वो इनमें से किसी को अप्लाई करे, वो डायरेक्ट क्या है, वो इसको भी अंडर सेक्शन 84 क्या कर सकता है, वो ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग जो है उसको कर सकता है। ट्रांसफर होल्डिंग से मुराद क्या है, इसमें ये होता है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो उसको खुद अपने कस्टडी में लेने की बजाय, या जो उसकी ये जो क्रॉप्स हैं वगैरह हैं इनको करने की बजाय क्या करते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है वो उस होल्डिंग में, उस स्टेट में क्या है कि अगर कोई और भी होल्डिंग है तो उसको उसके लैंड ओनर को दे देते हैं कि आप इसकी जो मैनेजमेंट है, इसकी जो सुपरविजन है आप करो, और आप हमें पे कर दो, जो इसके ऊपर लायबल है ना रेवेन्यू एरियर्स जो है वो हमें आप पे कर दो। तो इस सूरत में दो सिचुएशंस हैं, एक तो ये है कि वो उसके लिए मैक्सिमम 15 ईयर्स के लिए फिक्स टर्म जो है उसके लिए उस पर्सन को दे देंगे, और या फिर क्या है कि इसके लिए सेकंड सिचुएशन क्या है कि वो कोई फिक्स टर्म नहीं होगी, बल्कि ये होगा कि जब ये जो जिस पर्सन के ऊपर, लैंड ओनर के ऊपर लायबल था पे करने का, जिस साल वो आपको, आपने जो रकम हमें दी है जब वो आपको पे करेंगे, तो उस साल के एग्रीकल्चर ईयर के एंड पे क्या होगा कि आप उस पर्सन को वापस कर देना। यहाँ पे एक्सक्यूज मी, जब ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग की बात आती है तो जैसे मैंने पहले बताया है कि इंस्टीड ऑफ ऑल दीज ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग सिर्फ उस सूरत में होगी कि अगर ये सब करने के बावजूद जो है एरियर्स वो रिकवर नहीं हुए, तो इस जो जो हमारे पास तरीक़ेकार है इसकी तरफ बढ़ेगा, वो डायरेक्टली इसकी तरफ नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट तरीक़ेकार क्या है कि सेक्शन 85 में बताता है अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग। अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग सेक्शन को आपने अच्छे से याद रखना है कि अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग को कौन सा सेक्शन डील करता है, सेक्शन 85। उसके लिए क्या होता है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो उसको अपने अंडर ले लेते हैं, उसकी जो अपने पास रख लेते हैं कितने अर्से के लिए, नॉट मोर देन 5 ईयर्स, ठीक है। एंड सेकेंडली फिर क्या करते हैं, या तो ये कि वो उसको खुद मैनेज करते हैं ऑन मैनेजमेंट में, और या उसके लिए ये क्या करते हैं कि एजेंट जो है उसके लिए मुकर्रर कर दिया जाता है कि वो इसकी जो है वो सुपरविजन करे। और जब भी किसी होल्डिंग को अटैच किया जाता है तो उस सूरत में लेट्स सपोज के वो उसमें लैंड ओनर एंड टेनेंट के बीच में उससे रेलिवेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उनके बीच में ऐसी कोई इंगेजमेंट्स थी, तो इस सूरत में ये वाला जो जो हमारा रेवेन्यू ऑफिसर है या जो एजेंट है वो लायबल होते हैं कि उनने टेनेंट और उसके बीच में जो भी इंगेजमेंट्स थी उनको ये फुलफ़िल करते हैं। एंड सेकेंडली क्या होता है कि उसकी मैनेजमेंट करते हुए जो सरप्लस प्रॉफिट बच जाता है, सरप्लस प्रॉफिट क्या कि तमाम उसके जो अखराजात हैं उनको निकालने के बाद जो प्रॉफिट है उसको देखा जाता है कि इसमें से कितना अभी तक जो एरियर्स हैं वो रिकवर हो जाते हैं। लेट्स सपोज अगर जो हैं वो 2 सालों में ही रिकवर हो जाते हैं तो देन क्या किया जाता है, उसको रिलीज़ कर दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम हमारे पास पीरियड क्या होता है वो है जनाब 5 ईयर्स।
एंड देन क्या है हमारे पास इसके बाद सेक्शन 86 जो कि बताता है कि अनोलमेंट ऑफ असेसमेंट। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर जो है उसको रेवेन्यू ऑफिसर को लगता है कि ये वाला तरीक़ेकार ठीक रहेगा, तो देन इंस्टेड ऑफ ऑल दिस कि बजाय इसके ये सब करने के, या इसमें से एक या दो उसने किया है तो भी फिर क्या हो जाता है कि वो इस तरफ आ जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो जितनी उस वक्त जो असेसमेंट हुई होती है उसको जो है उसको जो है नल कर दिया जाता है, लाइक कि उसके ऊपर वो वाला जो एक तरह से असेस की हुई थी, जैसे हमने असेसमेंट के टॉपिक में पढ़ा कि किस तरह जो है एक असेसमेंट की जाती है, लैंड रेवेन्यू जो है उसको जो है सारा कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पे उसको क्या कर दिया जाता है, उसको अनल कर दिया जाता है। अनल करने के बाद क्या है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो उसकी खुद भी मैनेजमेंट कर सकता है, उसको कोई एजेंट भी अपॉइंट कर सकता है, या उसको क्या है वो लीज पे भी दे सकता है। लाइक उसके पास तीन तरह के ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे ये जो ब्लैक के साथ शो हो रही है ये हमारे पास एक्सेप्शंस हैं कि कुछ ऐसी ज़मीनें हैं, कुछ ऐसी होल्डिंग्स हैं जिनकी अनोलमेंट ऑफ असेसमेंट नहीं होती। लाइक ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या राइज होता है, सेक्शन 33-35 का रेफरेंस दे के या कोर्ट ऑफ वार्ड्स का रेफरेंस दे के कि एक जो ज़मीन है, एक होल्डिंग है, वो उसको मैनेजमेंट उसकी सुपरवियर अंडर किसकी है, कोर्ट ऑफ वार्ड्स की है, तो क्या उसकी अनोलमेंट हो सकती है, तो नो। सेक्शन 35 में क्या है कि जब एज अ पेनल्टी किसी की जो होल्डिंग है उसको अटैच कर लिया जाए तो उसकी जो है अनोलमेंट नहीं होती। एंड कोर्ट ऑफ वार्ड्स की जब हम बात करते हैं तो माइनर्स को जब उनके लिए कोई गार्डियन अपॉइंट कर दिया जाता है, जो एक तो उनको वार्ड्स कहते हैं, और लेट्स सपोज अगर उनकी कोई होल्डिंग है तो उसकी मैनेजमेंट के लिए उसकी उसकी जो सुपरविजन है, अगर कोर्ट को कोर्ट ऑफ वार्ड्स गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट हमारे पास कंप्लीट जो कि इन तमाम चीज़ों को डील करता है, उसकी जो सुपरविजन है अगर वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स को दे दी जाए तो भी उस सूरत में भी जो है उसकी अनोलमेंट ऑफ असेसमेंट नहीं होगी। अब क्या है कि ये एक तो ये कि 10 ईयर्स के लिए जो है वो उसकी नए सिरे से जो है उसको असेस नहीं किया जाता, 10 ईयर्स तक जो है अनोलमेंट ऑफ असेसमेंट रहती है, लेकिन इस दौरान जो है जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसके पास अथॉरिटी है कि वो क्या करे कि उसकी असेसमेंट करे जो कि उस वक्त करंट रेट पे उस वक्त जो चल रही होती है। अगर वो ऐसा करता है तो फिर क्या करना होगा, अगर वो असेसमेंट करता है तो वो क्या करेगा, वो नोटिस देगा। किसको नोटिस देगा, उसको लैंड ओनर को जो है जिसकी उस जो थी होल्डिंग जिसकी अटैच हुई थी ये असेसमेंट जिसकी अनॉल हुई थी, क्या करेगा उसको वो नोटिस देगा। इन केस वो जो पर्सन है वो इनकार कर देता है, क्या कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है कि इसकी जो है मैं तो इसके एरियर्स का लायबल ही नहीं हूँ, तो इस सूरत में क्या है उसके रिफ्यूज़ करने पर जो है रेवेन्यू ऑफिसर वो उसको डायरेक्ट अंडर डायरेक्ट मैनेजमेंट जो है ना उसको ले लेता है। और इस सूरत में मज़ीद क्या होता है कि अगर ऐसी जो है होल्डिंग उसके ऊपर कोई 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 कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हों, उसमें कोई ऐसी ग्रांट्स हों, तो वो रेवेन्यू ऑफिसर के ऊपर या उस जिसको लीज पे दी है या जो एजेंट अपॉइंट किया है उनके ऊपर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो हैं वो बाइंडिंग नहीं होते। लाइक उस होल्डिंग के रिगार्डिंग जो उसकी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो इनके ऊपर जो है वो इन पे बाइंडिंग नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 87 क्या हमें बताता है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ अटैचमेंट एंड अनोलमेंट ऑफ असेसमेंट। इसमें क्या है कि जब भी उन्होंने अटैच किया करना हो या अनोलमेंट करनी हो तो वो उसके लिए प्रोक्लेमेशन करेंगे, उसकी तशहीर करेंगे। किस लिए, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये है और इसका या पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ क्या है कि ऐसी लैंड जिसके ऊपर के एरियर्स जो हैं वो बनते हों तो उसको कोई पर्सन परचेज कर लेता है या उसके रिगार्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, कुछ ऐसी इंगेजमेंट्स जो हैं वो कर लेता है, तो ऐसी ना तो इस प्रोक्लेमेशन से पहले अगर उसने उससे रेलिवेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो बाइंडिंग होगा, और ना ही इस प्रोक्लेमेशन के बाद भी अगर उसने ऐसी कोई इंगेजमेंट्स हुई हैं तो वो भी जो है वो बाइंडिंग उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ये कहा जाता है, लॉ में कहा जाता है कि मुश्तरी होशियार बाश, जिससे मुराद क्या है कि जब भी आप कोई चीज़ किसी से परचेज करो तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल सो दैट के आपको पता, लेट्स सपोज कि अगर वो चीज़ जो है वो चोरी की है या उसके ऊपर जैसे कोई एरियर्स हों तो आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आप करते, मुश्तरी होशियार बाश वाला जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं करते, तो क्या होगा कि आपकी वो जो लेबिलिटीज या आपने उसके ऊपर जो भी किया होगा उसका कोई इफेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट। एंड देन क्या हमारे पास 87 के बाद 88 में बताता है सेल ऑफ होल्डिंग। जी यहाँ पे क्या है कि उसकी जो होल्डिंग है उसकी सेल कर दी जाएगी,
ये सेल कब की जाएगी? वो सूरत में की जाएगी जब ये तमाम ऐसे प्रोसेस किए हैं रेवेन्यू ऑफिसर को लगता है कि इससे तो कोई भी खातर ख्वाह जो है वो फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो क्या करता है? वो करता है विद दी प्रीवियस सेंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। क्या है कि उसको करने के लिए सेल ऑफ होल्डिंग के लिए क्या है ज़रूरी है कि जो सेंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ज़रूरी है। जिस तरह हमने देखा कि जब ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग हो रही होती है, ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग, तो उस सूरत में क्या है कि उन्होंने कमिश्नर को, जो जब कलेक्टर ऐसा ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग करता है तो वो कमिश्नर को रिपोर्ट करता है कि उसने ये काम किया है। तो इस तरह जब सेल ऑफ होल्डिंग होगी तो इसके लिए क्या है कि सेंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ज़रूरी होगी। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड रिमेंबर दिस पॉइंट्स कि क्या है कि सेल ऑफ होल्डिंग से पहले किसकी सेंक्शन ज़रूरी है? गवर्नमेंट की ज़रूरी है। एंड ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग के लिए क्या है कि कमिश्नर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। इसके लिए क्या है कि वो उसको सेल कर देगा। यहाँ पे प्रोवाइजो, प्रोवाइजो क्या है, यहाँ पे एक तरह से एक्सेप्शन आ जाती हैं कि कौन कौन सी ऐसी लैंड्स हैं जिनकी सेल नहीं होगी। एक तो जैसे ऊपर हमने बात की कि ऐसी कुछ ज़मीन जो कि अंडर द सुपरविजन और मैनेजमेंट कोर्ट ऑफ वार्ड के हो, एंड सेकेंडली सेक्शन 85 और 86, यही हमारे पास जो अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग था या जब अनोलमेंट ऑफ असेसमेंट, ऐसी जो जो ज़मीनें होंगी उनके लिए जो ऐसे जो ऑर्डर्स हैं वो नहीं किए जाएंगे। एंड देन इस सेल का इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट 89 हमें इसका इफेक्ट बताता है कि इफेक्ट ऑफ सेल ऑन इनकम्बरेंसेस। इनकम्बरेंसेस क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ के, एक चीज़ के ऊपर जो हैं ऑलरेडी ऐसी ऐसी जो हैं क्या लाइबिलिटीज़ हैं। तो क्या होगा कि वही जैसे हमने ऊपर बात की थी कि उससे रेलिवेंट कुछ ग्रांट्स या कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो ऐसे क्या हैं वो बिल्कुल वाइड होंगे, उनका कोई भी जो है वो इफेक्ट नहीं होगा। एंड देन क्या है, अगर इसके थ्रू भी जो है वो काम नहीं हो रहा तो क्या होगा कि सेक्शन 90 हमें बताता है कि प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, सेक्शन, रिमेंबर क्या है सेक्शन 90, प्रोसीडिंग अगेंस्ट अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेट्स सपोज किस पर्सन की जो है कोई और भी प्रॉपर्टी है, इमूवेबल है प्रॉपर्टी, और इसके थ्रू जो है इस तरह करके एरियर्स की जो है वो रिकवरी नहीं हो पाई, तो वो इसकी तरफ जो है जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो इसकी तरफ जाएगा। और जब रेवेन्यू ऑफिसर या इस तरफ इस स्टेप की तरफ मूव करेगा तो वो प्रोक्लेमेशन करेंगे कि ऐसी जो प्रॉपर्टी है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इससे रिगार्डिंग कोई भी जो है ना वो उसकी जो सेल, ट्रांसफर वगैरह जो है उसको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। प्रोहिबिट से मराद क्या है कि उसको उससे मना कर दिया जाएगा। एंड इन केस अगर कोई पर्सन जो है वो करता है सेल, परचेज, गिफ्ट, लाइक ऐसा कुछ भी करता है तो वो वाइड होगा, उसका जो है वो कोई भी लॉ में उसकी कोई भी अहमियत नहीं होगी। एंड ड्यूरिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो है, जब वो इसके लिए प्रोक्लेमेशन करते हैं तो वो पर्सन क्या करता है कि पे कर देता है जो उसका एरियर्स होते हैं। तो इस इन दैट सिचुएशन क्या होगा कि एक तरह से कि जो प्रोक्लेमेशन है उसको क्या है कि विदड्रा कर दिया गया है, या कि उसके प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ अनगैदर्ड जो क्रॉप्स थी, जो है जैसे फसल रबी थी या फसल हरीफ उसके ऊपर उगी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया कि उसको कलेक्ट कर लिया। उसको कलेक्ट करने के बाद क्या किया कि उसको कलेक्ट किया, उसको सेल किया, सेल करके जो है ना अपना जो एरियर से उनको रिकवर कर लिया। तो इस सूरत में भी क्या है कि इट विल बी कंसिडर लाइक जो प्रोक्लेमेशन है उसको विदड्रा कर लिया गया है। राइट, एंड देन लास्ट वन क्या है, 91, रेमेडीज ओपन टू पर्सन डिनाइंग हिज लाइबिलिटी फॉर एन एरियर। तो अगर कोई पर्सन कहता है कि भाई मेरे ऊपर तो कोई एरियर्स बनते ही नहीं हैं, तो उसके पास रेमेडीज़ क्या है? उसके लिए उसके पास क्या है कि दो रेमेडीज़ हैं। राइट, क्या करेगा? एक तो सबसे पहले तो वो के जो वो जो एरियर्स है उनको पे करेगा, लेकिन अंडर प्रोटेस्ट करेगा। अंडर प्रोटेस्ट से मुराद क्या है कि वो इन राइटिंग लिख के देगा, साइन करेगा कि मेरे ऊपर जो है वो एरियर्स लायबल नहीं है, लेकिन मैं उनको पे कर रहा हूँ। और दूसरा क्या करेगा कि वो उसके लिए इंस्टीट्यूट अ सूट इन अ सिविल कोर्ट, कि वो जो सिविल कोर्ट है वो इनकी रिकवरी के लिए जो है वो दावा दायर कर सकता है। तो ये तमाम जो है एक तरह से वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एरियर्स ऑफ लैंड रेवन्यू रिकवर किए जाते हैं। और ये तमाम अभी हमने जो डिस्कस किया ये वही है जो कि लॉ में लिखा हुआ है। मैंने सिर्फ कोशिश की है कि इसको उर्दू लैंग्वेज में जो है ना, रादर देन के मैं साथ साथ इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट, इंग्लिश में पढ़ूँ देन इसको ट्रांसलेट करूँ, मैंने इसको उर्दू में ही कंप्रिहेंसिवली कोशिश की है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो ऐसे कवर करूँ कि आप लोगों को इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ जाए। एंड होपफुली इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। एंड जस्ट जो है ये है हमारे पास सेक्शन जो रिमेनिंग इसके रह गए हैं कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू के, जो कि सेल और उससे रेलिवेंट है, और इंशाल्लाह उसको हम लोग अपनी जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी सेल प्रोसीडिंग, सेल कैसे होगी, उसकी प्रोक्लेमेशन एंड ऑल दिस जो है उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।